912 करोड़ का पैकेज मिथिला को मिला ऐतिहासिक सौगात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा एयरपोर्ट के 912 करोड़ की लागत से बनाने वाले सिविल कंक्लेव के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई तथा देश के अन्य हवाई अड्डों के साथ यहां के सिविल कंक्लेव का शिलान्यास किया गया। वर्चुअल रूप में आयोजित इस शिलान्यास कार्यक्रम में विशाल भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल कंक्लेव में बने जाने के साथ ही यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी एवं विस्तारित एयरप्लेन के साथ एक 14 यात्री विमान की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी और 58 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय नए टर्मिनल भवन सहित अन्य नव संचार का निर्माण होगा। वहीं स्थानीय सांसद गोपाल ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट को मिथिला क्षेत्र के लिए वरदान बताते हुए कहा कि मिथिला के साथ साथ नेपाल की तराई क्षेत्रों के साथ कई जगहों से लोगों का हवाई सफर पूरा होगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट को विकास के मापदंड पर उन्होंने इसके लिए दरभंगा से सदन तक आवाज उठाई। इस शिलान्यास के लिए सांसद डॉक्टर ठाकुर ने पीएम मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज के इस कार्यक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि मिथिला के विकास के लिए वे संकल्पित हैं। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर के प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही कार्यक्रम में शिरकत कर रहे जिला के मंत्री, एनडीए के जनप्रतिनिधि तथा जिला वासियों को साधुवाद दिया। दरभंगा की रिपोर्ट, नवीन कुमार। और आप इस सबके साक्षी हैं, इसमें मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। आज के इस हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे वाराणसी से, आप सबकी उपस्थिति में। ऐसे इस कार्यक्रम पर मंच पर उपस्थित है माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी।